छतरपुर के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। डॉक्टर की रिपोर्ट आते ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नौगांव का दौरा किया और तहसील कार्यालय में बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पीड़ित डॉक्टर लुगासी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थे, लेकिन कोरोना के चलते उनकी स्पेशल ड्यूटी नौगांव सामुदायिक केंद्र लगाई गई थी। पीड़ित डॉक्टर यूपी के राठ अपने घर 15 तारीख को गए थे, लेकिन वापसी आने के बाद उन्हें कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उनकी कोरोना की जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पीड़ित डॉक्टर को इलाज के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और जिस जगह पर डॉक्टर निवास कर रहे थे वहां कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। छतरपुर जिले में अभी तक 54 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिसमें अब 6 ही मरीज एक्टिव हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है और पूरी जानकारी प्राप्त होती है आपको अवगत कराया जाएगा। फिर भी मतलब किसी मोहल्ले का रहवासी है, कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, उस एरिया को नहीं बनाया गया, कुछ क्या कुछ जानकारी? कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है और जैसी जानकारी मिलती है तत्काल कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। कलेक्टर महोदय ने भी मौका मुआयना किया है क्या? हाँ, मौका कलेक्टर महोदय आए थे, अभी आके उन्होंने पूरा देखा यहाँ पर और निर्देश दिए हैं, उनका पालन किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।